लोकसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार गिरता चला जा रहा है। लोकसभा में यूं तो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा में पिछली लोकसभा के मुकाबले संख्या एक सांसद का इजाफा हुआ है। इस बार 24 मुसलमान सांसद निर्वाचित हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 6 उत्तर प्रदेश से हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान सांसद उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं पहुंचा था। उपचुनाव में कैराना में तबस्सुम हसन ने जीत हासिल करके संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए हैं। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट देती है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 5 मुसलमान सांसद पश्चिम बंगाल से सांसद पहुंच रहे हैं। इसमें 4 तृणमूल के हैं, कांग्रेस से हैं और 1 कांग्रेस पार्टी से है। इसके अलावा केरल और जम्मू कश्मीर में 3-3 मुसलमान सांसद चुने गए हैं। वहीं असम और बिहार से भी 2-2 मुसलमान सांसद पहुंचेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1 मुसलमान सांसद निर्वाचित हुआ है। चर्चित सांसद असियुद्दीन ओवैसी ने अपनी सीट हैदराबाद से एक बार फिर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का चर्चित नेता आजम खान रामपुर से जीत हासिल करके कामयाब रहे और अब वो संसद में मुसलमानों की आवाज मजबूत करेंगे। बीजेपी ने इस बार 6 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इनमें एक भी नहीं जीत सका। क्या कारण हो सकते हैं कि मुसलमान इस तूफानी, जिसे बीजेपी की तूफानी वो कहा जाता है, तूफानी सैलाब के अंदर एक भी मुसलमान नहीं जीत पाया? 2014 से ज्यादा 2019 के अंदर बताया जा रहा है कि बीजेपी ज्यादा सत्ता में आई है, ज्यादा ताकत से आई है, लेकिन उसके बावजूद ही मुसलमान लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं जीत पाया? 2019 की लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा जो टिकट मुसलमानों को दी थी वो दी थी सपा और बसपा के मजबूत गठबंधन से, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट ना रहते हुए मुसलमान और अल्पसंख्यक एससी एसटी ओबीसी मजबूत नहीं हो पाए, जबकि गठबंधन के अंदर बहुत अच्छा वोट पड़ा है। बताया जाता है कि जो वोट बैंक था वो कहीं ज्यादा गठबंधन को पड़ा है, जिसकी वजह से पार्टियां दूसरे नंबर पे गठबंधन का असर देखने को मिला है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।